बिल्कुल सही, जाहिद साहब बहुत अहम बात की है ये जो पहला नुक्ता उठाया रफ़ी साहब ने कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो सियासत है, उसमें कोई इंसेंटिव नहीं है कि बलूचिस्तान को अहमियत दी जाए। वो तब्दीली की बात कर रहे हैं कि आप इत्तफाक करेंगे और कैसी तब्दीली, वुड यू हैव समथिंग इन माइंड? देखिए असल बुनियाद ये है कि जो भी पाकिस्तान में लूला लंगड़ा जो भी जमहूरी प्रोसेस है वो तो बलूचिस्तान में कभी वो भी नाफिज नहीं हुआ है। अगर आप देखें कि यहाँ पे जो बात आ रही है कि एक वाक़ अभी जो बताया था कि जो है वो कि लाहौर में पंजाब में जो इलेक्शन की बात की थी, ये तो यानी अगर देखा जाए जो बलूचिस्तान में जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उसमें तो बिल्कुल ही एक मैं लफ्ज बार बार जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जैसे एक कॉलोनियल पावर जो होती है वो है वहाँ पे जो है उसको उसी तरह से एक कॉलोनी तौर पे जो है बलूचिस्तान को ट्रीट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पे जो पुराने जो असल करता धरता है उनके नज़दीक जो है बलूचिस्तान का प्रॉब्लम आपको अगर बताया जाए तो आपको समझ में आती है कि वो माइंडसेट ऐसा है जिसमें वो बलूचिस्तान का मसला हल कर। मैं दो वाक़ात बताता हूँ आपको। एक तो ये था कि जब मैंने लिखा भी उसके मुताबिक कि जो है वो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर ने वहाँ जो बात की थी कि सबसे बड़ा मसला जो है बलूचिस्तान का वो सब नेशनलिज्म है और उसको ख़त्म करके हमें पाकिस्तान की नेशनलिज्म पे लाना है। असल में जब ये आप सोच रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़र्ज कीजिए एक बलोच है अपना आपको एक एक उसकी शिनाख्त का बलोच बताता है और अगर इस तरह जैसे सिंधी को हक है कि वो सिंध से अपने आप को सिंधी कहे, पंजाबी अपने आप को पंजाबी कहे या पख्तून अपने आप को पख्तून कहे, तो मतलब ये थी कि आपने जो क्राइटेरियन रखा है बलूचिस्तान के लिए वो ये है कि आप अगर बलोच अपने आप को बलोच कहें या आपको कहें कि जो है मैं नेशनलिस्ट हूँ तो वो भी आपको गद्दार ठहराया जाता है। और यही बात है कि देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत सारे ऐसे मौके आए थे जहाँ पे ये उम्मीद की जा सकती थी, एक मौका था कि लोगों को जो है थोड़ी सी जो उनकी ग्रीवांसेस कम किए जाए कि जबकि आपकी नेशनलिस्ट पार्टी मेन स्ट्रीम में आने के लिए तैयार थी और आई भी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है वो सब गद्दार ठहरे, उनको जो है आपने जो है जिस तरह से इलेक्शन, ये तो जो अभी ज़्यादा आपको नज़र आते हैं, दूसरा तो ये जो जिस तरह के इलेक्शन होते हैं उसकी मिसाल आपको पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलती है, वह बलूचिस्तान में जिस तरह से होते हैं। आप तो सूरत हाल ये है कि आपने हैंड पिक, मैं सही एक कहता हूँ कि जिसको टाउट्स कहते हैं उसको उठा के आप जो है सरबराह बना देते हैं, न सिर्फ एक लिहाज से सूबाई हुकूमत का बल्कि आप मुल्क की भी सरबराह बना देते हैं। मसला ये है कि जब ये अप्रोच हो जाए सही। और आप फिर उसके नाम देते हैं कि हम बलोचों को नुमाइंदगी दे रहे हैं, कौन सी नुमाइंदगी है बलोचों को? और दूसरी बात, एक और सबसे बुनियादी जो समझने की बात है कि जो अभी रफीउल्लाह ने भी बात की उसके मुताबिक, देखें पहले जितनी भी इंसर्जेंसी रही है वो ज़्यादातर उन इलाकों में रही हैं जो कि ट्राइबल इलाके कहलाते थे। अब जो है वो सारा का सारा जो जोर है, जो एक एपिसेंटर है इस पूरी तहरीक का और इसकी मिलिटेंसी का भी कह लें, वो है आपका मकरान का इलाका जो कि वहाँ पे कोई भी सरदारी सिस्टम नहीं है और वहाँ पे अगर आप देखें मिडिल क्लास बिल्कुल सही ये लोग जो है आगे हुए और उनको भी आप हक देने के लिए तैयार नहीं है जो कि आज पीसफुल जद्दोजहद कर रहे हैं। अब इसको इसका आप बताएं पाकिस्तान में कहाँ पे आपको इतनी।